हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेट्स बिट्स। आज हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे कच्चे पपीते से। ये टूटी फ्रूटी बनती है और बहुत आसान रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कच्चा पपीता लिया है। इसका छिलका हम निकाल लेंगे। इसको छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। एक कढ़ाई लिए, इसमें मैंने 3 कप पानी डाला है और पपीता जो हमने काट के रखा था ऐसे स्क्वायर टुकड़ों में हम काटेंगे। इसको इस पानी में हम उबाल लेंगे। लगभग 10 मिनट तक इसे पकाएंगे। 80% पक जाए तब तक इसे हम पकाएंगे। फिर इसे निकाल लेंगे और छान कर अलग रख देंगे। फिर उसी कढ़ाई में मैंने 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी डाला है। इन दोनों को उबलने देंगे। चीनी जब उबल जाए और चीनी घुल जाए फिर इसमें जो हमने पपीता बॉईल करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। इसको भी हम 8 से 10 मिनट तक ऐसे ही चाशनी में पकाएंगे। थोड़ी देर बाद चाशनी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। फिर इसे हम 3 भाग में निकाल लेंगे और ये फूड कलर है। मैंने 3 फूड कलर लिए हैं। आप चाहे तो 1 फूड कलर में भी इसे बना सकते हैं। तो पहले एक लाल फूड कलर लेंगे और 1 भाग में लाल कलर मिलाएंगे। दूसरे में हरा कलर मिलाएंगे। और तीसरे में पीला कलर मिलाएंगे। तीनों को 4 से 5 घंटे के लिए हम ऐसे ही चाशनी में डुबो के रहने देंगे। पांच घंटे के बाद ये हमारी टूटी फूटी बन के तैयार है। इसे हम पहले टिश्यू पेपर में निकालेंगे। फिर इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल कर सूखने के लिए रख देंगे। 1 दिन में ये सूख जाएगी। ये हमारी टूटी फ्रूटी बनके तैयार है। आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितनी अच्छी बनी है। आप कह ही नहीं सकते कि ये हमने घर पर बनाई है, बाहर जैसे ही लगती है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी चैनल को आगे बढ़ाएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।